घर के सामने शीशम का पेड़ था, मैंने सोचा यार पसीने सुखा लूं, उसके नीचे खड़ा हो गया। बड़ी काम की बात है बेटा, पीछे खड़ा हो गया भाई उस पेड़ के नीचे। इतनी देर में ऊपर खिड़की खुली और जो आदमी था ना उसने खिड़की खोल के कहा पानी पियोगा भाई? मैं तसा तो मरुए था, गर्मी भी लग गई थी। मैंने कहा हाँ, बोला वो भी नहीं, बोला मैं भी नहीं, पर मैं समझ गया मैंने ऐसे करा। उसने हाँ बढ़ ली मैंने। मैं कहा भाई, मैं सोचने लगा यार कितना बढ़िया आदमी है, कोई जान ना कोई पहचान, और इसने क्यों कर पता लग गया, मैंने गर्मी में प्यास भी लग रही होगी, घना बढ़िया आदमी है। खड़ा रहा, हमें 5 मिनट होगी, 7 होगी, 10 मिनट होगी, आया है ना, मैंने भी फैसला बदल दिया। अच्छा घटिया आदमी है ना, ये पहना था तो मैं क्यों खड़ा कर दिया, अपने घना तो जाता। खड़ा खड़ा भीतरे भीतरे उसने गाड़ तो के दूं था, पर बुरा बुरा सोचने लग रहा था। इतनी आड़ में उसका गेट खुला, हाथ में जग ले रहा, कहता भाई साहब माफ करना। मैंने सोचा पानी के पियाऊंगा, मैं शिकंजी बनाने लग गया था, इसलिए मैं आपके लिए शिकंजी ले आऊं। मेरे विचार फिर बदल गए, यार आदमी तो अच्छा है, मैं ये गलत सोचू था। उसने गिलास में शिकंजी डाल दी, जैसे ही मुंह गलाई उसमें मीठा तो था ही नहीं। मैंने सोचा यार अच्छा बेवकूफ आदमी है, इतनी देर तक खड़ा रहा, यार मीठा ना था तो क्या ही शिकंजी लाओ था। इतनी आड़ में उसने पुड़िया निकाली। भाई साहब मैंने सोचा कदे शुगर सागर हो, बताओ कितनी चीनी मिलाऊं। मैं फिर सोचने लगा यार आदमी तो अच्छा है। हमारी सोच इतनी जल्दी जल्दी बदलती है कि हम अगले को समय भी नहीं देते कि वो अच्छा है या बुरा है।